हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मंचूरियन ग्रेवी। वेजिटेबल मंचूरियन ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार इंडो चाइनीज रेसिपी है। आप इसे स्टार्टर की तरह अकेला भी परोस सकते हैं और चाइनीज शेजवान फ्राइड राइस के साथ भी परोस सकती हैं। अगर सारी सब्जियां कटी हो तो ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को फॉलो कर घर पर जरूर ट्राई करें, यकीन मानिए आप भी अपनी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पत्ता गोभी। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम पत्ता गोभी को कद्दूकस करके ले लिया है। और अब हम ऐड करेंगे बाकी की सब्जियाँ, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। यहाँ पर मैं 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 कप बारीक कटी हुई हम यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। जितना हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे उतना ही हमने यहाँ पर मैदा भी ऐड करना है, तो इसलिए अब हम 4 चम्मच ही यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मंचूरियन ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इससे आराम से 8 से 9 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी सब्जियों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपके पास लोग अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली आपको हाथ नहीं चलाना है, नहीं तो सब्जियाँ सारा अपना पानी छोड़ देंगी। और ये मिक्स करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है, नहीं तो उससे भी सब्जियां पानी छोड़ देंगी क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर हम इसमें डालकर देखेंगे। और देखिए ये एकदम से ऊपर आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं, तो हम इसमें अपनी बॉल्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऑयल यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए जिससे बॉल्स हमारी अंदर तक फ्राई हो जाएँ। और अब इसी तरह से हम सारी बॉल्स को डाल लेंगे और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बॉल्स को आप एकदम से करछी टच मत करना, जब ये हल्की सी सिकने लगे ना उसके बाद आप इनके ऊपर करछी टच करना और इनको पलटते हुए फ्राई करना। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एकदम से करछी टच नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बॉल्स फैल जाएंगी, मतलब टूट जाएंगी। तो इसलिए आपको जब हल्की सी ये सिकने लगे उसके बाद इनके ऊपर करछी चलानी है और इनको पलटते हुए सेकना है। यहाँ हम बॉल्स को निकाल लेंगे, देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब बाकी के बॉल्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारी बॉल्स फ्राई हो गई हैं, देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। चलिए अब बना लेते हैं मंचूरियन के लिए ग्रेवी। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। उसी के साथ ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक, 1/2 चम्मच हरी मिर्च। सभी को 1 मिनट तक चलाते हुए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पर बस 1 मिनट तक हम इनको ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है। प्याज को भी हम 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसको भी किसी भी सब्जी को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, उसी के साथ ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। और अब सारी सब्जियों को फिर से हम 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इस रेसिपी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाना, क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़कर आता है। आप कोई भी इंडो चाइनीज रेसिपी बनाते हो तो उसको आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाना। और यहाँ पर हमारी सब्जियाँ 1 मिनट तक हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शेजवान सॉस, उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ऐड करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की जगह आप यहाँ पर 1/2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब सारी सब्जियों को हम 10 से 20 सेकंड के लिए इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे।
और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच अजीनोमोटो। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको भी चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन वाला पार्ट, उसी के साथ ऐड कर देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए। और अब बनाएंगे हम इसके लिए एक स्लरी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप पानी हमने यहाँ पर ऐड करना है और कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, देखिए इस तरह से। और अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे 1 चुटकी फूड कलर। यहाँ पर मैंने रेड कलर यूज़ किया है, उससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारी ग्रेवी का। आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पानी में अच्छा सा उबाल आने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल कर रखा था। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बचा हुआ कॉर्नफ्लोर भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है, और जितनी हमें थिक चाहिए उतनी अच्छे से थिक नहीं हो जाती है। यहाँ हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मंचूरियन बॉल्स जो हमने बना कर रखी थी। ग्रेवी को पकने में 2 से 3 मिनट लगे हैं और 2 से 3 मिनट में ही हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से थिक हो गई है। बॉल्स डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बॉल्स आपको तभी ऐड करनी है ग्रेवी में जब आप इसको सर्व करें, क्योंकि अगर आप पहले से डालकर रख दोगे और ये ठंडी हो जाएंगी तो बॉल्स अपने अंदर सारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। फ्रेंड्स, मैं नमक डालना भूल गई थी, आप पहले ही ऐड कर लेना नमक। नमक यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 1 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि नमक कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नमक को भी हम पका लेंगे और अब इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप उसकी जगह हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं जब सर्व करूंगी तो भी इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करूंगी। चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। सर्व करने के बाद मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया स्प्रिंग ऑनियन के साथ। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।